किया हुआ है इस पे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आज मेरे भाई की जो हाय गाइस, हम यहाँ पे ये लोग और मेरे मामा जी। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड जो है वो रेडी होके रेडी है मेहंदी के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज सुबह सुबह जो है हम लोग उठ के बस निकल गए हैं और आज जा रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ अपने नानी गांव सुबह सुबह। और मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मिस्टर झा, और ड्राइव कर रहा है अमित, मेरा छोटा भाई। तो बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे है मेरी बहन की शादी जिसकी मैंने इतनी सारी शॉपिंग की थी, तो फाइनली आज हम लोग नानी गांव जा रहे हैं। अच्छा, और हीयू भी अपने डैडा के साथ आगे बैठी हुई है। तो हीयू आगे बैठी हुई है अपने डैडा के साथ और अमित जो है वो ड्राइव कर रहा है। और ये गीत, यस, और मेरा भाई काफी अच्छा ड्राइव करता है। तो कल हम लोग पूरी रात जगे हुए हैं। मेरी बुआ के बेटे का कल तिलक था तो उसमें हम लोग पूरी रात जगे थे, तो सोए भी नहीं है। और सुबह सुबह उठ के जो है वो नानी गांव जा रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत है नानी गांव जाने की, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने भाई लोगों से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो आज है शाम में मेहंदी, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या सब होगा। तो देखते हैं क्या सब होता है। फिलहाल तो अभी मैं आपको जो इधर का जो भी व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत इधर की ग्रीनरी है। फाइनली हम लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मम्मी भी बहुत एक्साइटेड है, बताओ एक्साइटेड हो? तो मम्मी के छोटी भतीजी का शादी है, तो ये इस जनरेशन में लास्ट शादी है, तो बहुत मम्मी एक्साइटेड है कि लास्ट शादी देख रहे हैं। उसके बाद अभी गैप आएगा शादी में, तो अभी कोई फंक्शन नहीं है शादी वाला, तो सब लोग जो है खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो गांव जैसी खूबसूरती आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी देख लो मेरे साथ साथ। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर रोड है, उसके दोनों बगल जो खेत है। बस मेरा नानी का घर आ गया है और यहाँ पे मेरे जो है मामा जी घर है, तो मैं उनको प्रणाम की और मैं आपको अपना घर भी दिखा रही हूँ, नानी का घर। तो सामने ये है मेरी नानी का घर। और मेरे नाना जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो अब है नहीं। और यहाँ पे नानी माँ जो है वो मेरी पूजा कर रही है और घर के सारे लोग अपने अपने काम में बिजी है, तो अचानक से सब मुझे देखे और थोड़ा सा जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कैमरा ऑन था। हाय हाय गाइस, बड़का भाई जी, हाय गाइस, हाय गाइस, हम यहाँ पे ये लोग अपने पकड़ लो के
मेरे बड़े मामा जी जो कि मुझसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो हम दोनों ही एक दूसरे को देख के इमोशनल हो गए थे। वैसे तो मैं इनसे मिली थी कुछ टाइम पहले जब मैं आई थी, बट फिर भी जब भी वो मुझसे बात करते हैं देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा है हमेशा से नानी गाँव में, तो फिर मैंने जो है उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और डायरेक्ट मैं आपको मेहंदी पे मिलती हूँ। तो आज मैंने ये साड़ी पहना है और ये मैंने अपने लिए लिया था अग्रवाल से, और ये साड़ी मिस्टर झा को बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत पसंद आया। तो मैं इसमें देख रही थी कोई और कलर हो तो मैं दूसरा कलर लेती, लेकिन मिस्टर झा ने बोला ग्रीन ही बहुत अच्छा लग रहा है यही लेने के लिए। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है और पूरा ये काम और हीयू ने पहना है गाउन। तो ये रही हीयू, और हीयू भी बहुत सुंदर लग रही है प्रीटी प्रीटी बनके। और मैंने लिपस्टिक लगाया। हाँ, लिपस्टिक लगाया है और हीयू भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी अपनी मम्मा जैसी, और मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी लग रही है। तो हम तीन जनरेशन अभी एक साथ हैं। तो ये है मेरी मम्मा और सारे क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से, और कोई किसी को लगता नहीं है कि ये मेरी मम्मा है। और मैं मेहंदी के लिए अपना ड्रेस लेके आई हुई थी लहंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शादी में भी मैं लहंगा ही पहनूंगी तो मैं आज साड़ी पहन लेती हूँ। तो जो मैंने अग्रवाल से लिया था वो साड़ी मैंने मेहंदी पे पहन लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत मुझे जो है सेट पहनना है, मांग टीका पहनना है, बस हो गया। और हम लोग बहुत ही मस्ती करने वाले हैं मेहंदी पे, तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, डांस होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो चलिए मेरे साथ और आप भी जो है वो मेहंदी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाँव की मेहंदी कैसी होती है। हे एवरीवन, तो अभी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और दुल्हन जो है वो मेहंदी लगाने के लिए रेडी हो चुकी है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। और ये रही हमारी फैमिली, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। ये है हमारी भाभी और हम सभी आज जो है वो पहन रहे हैं क्योंकि आज मेहंदी है इसीलिए। और ये बच्चा पार्टी सब है, सारा बच्चा पार्टी भी रेडी है। वेट। और मैं आपको दुल्हन को दिखलाती हूँ जो कि अभी स्वैग। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड जो है वो रेडी है मेहंदी के लिए और भाभियाँ यहाँ पे सारे लोग तैयार आ गए हैं और यहाँ पे शगुन की मेहंदी लग रही है। तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक बज रहा था ना कि मेरी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर कर लूंगी। तो यहाँ पे सारे लोग जो है जो भी घर के बड़े वो जो है शगुन की मेहंदी लगाएंगे, जिनकी शादी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं भी शगुन की मेहंदी लगा रही हूँ। अब हम लोग जो है वो डांस शुरू करेंगे थोड़ा बहुत, किसी ने प्रिपेयर तो किया नहीं है, बस जिसको जैसा आता वो करेगा, एंजॉय करेगा बस। तो आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। और ये हमारा चिल्लर पार्टी सब है। तो बच्चे लोग जो है कैमरा को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और हाई गाइज करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ब्लॉग बनाने में, तो जैसे तैसे मैंने तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे जो है सभी को मेहंदी लगनी शुरू हो गई है दुल्हन के साथ साथ, तो मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी मेहंदी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत हम लोग डांस कर ले। तो ये दोनों मेरी बहन है, मामा की बेटी, जिसके साथ मैं बहुत अटैच हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो अभी आपको हमारा डांस देखने को मिलेगा और
के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओ
वाला दिखता दिखता ना भाभी तुम खुशियों का खजाना भी येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे ढूंढ लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरा भाई लड़के ये दिल झंझट ले सारी चूड़िया रात बड़ी है मस्ताई तो दिल भर जाने कर ले अल्लाह चूड़िया झुमका 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 पायलिया पायलिया छनक छनक के बोले छनक छनक के बोले ओ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गल पे काल काल की बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ
अभी हम लोग बहुत थक गए हैं डांस कर करके और पीठ में जो है वो चूहा कूद रहा है, तो भूख से हालत ख़राब है। और तब अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये मेहंदी का वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।